नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिमाचली सैब ब्लॉग स्पॉट यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको अपने हिमाचल के खेतों के पर्यावरण के बारे में बताएंगे और कुछ देसी नज़ारे भी आपको दिखाएंगे, जिसमें हम आपको मक्की, तिल, घास और अरबी कैसे उगते हैं, कैसे बड़े होते हैं, यह सब दिखाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको सीधा वीडियो पे ले चलते हैं। तो दोस्तों, अब देखो इस बार हम अपने खेतों में जा रहे हैं। तो इस बार मैंने सोचा आपको कुछ हमारे खेतों में जो नए नए चीज़ें लगी हैं उनको दिखाएं। ये हमारे खेत हैं। आजकल ये तिल इतने बड़े हो चुके हैं, तिल के साथ ये घास जो है भैंसों को डालते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो उस करके घास अच्छा हो रहा है। ये देखो ये चरी है, ये भैंसों को डाली जाती है घास के लिए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से कुछ घास जो है वो टूट गई है। अभी देखें, अभी आपको हम दिखाएंगे ये। और इस साइड ये आम लगे हुए हैं, इसके आम बहुत ही मीठे होते हैं, स्वादिष्ट, शुगर से भी मीठे होते हैं। और ये आम का सीजन अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आम बहुत लगे हैं अभी तक। ये हमारी मक्की है, मक्की भी बहुत बड़ी हो गई है, मक्की जिसको हम छलियां बोलते हैं अपनी भाषा में। छलियों में जो इसका लगता है, इसको अपनी भाषा में बुग बोलते हैं। तो ये भी हो गया, स्टार्ट हो गया अभी। इधर इस साइड में जामुन के पेड़ हैं, अभी जामुन भी तैयार हो रहे हैं। और जामुन है, अमरूद हैं, अमरूद के भी पेड़ हैं। और इधर हमारा थोड़ा छोटा सा बगीचा है, बगीचा बोल सकते हैं। इसमें अरबी के पत्ते हैं, जिसको पात्रा बोलते हैं गुजराती में, पात्रा हमारे भाषा में पतोड़े। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।